Guys, meet my friend. क्यों छोड़ रखा है अर्शु तूने? Overacting करने लगे। Nation wants to know. Handsome. क्या करूँ मैं ऐसे लोगों का? ये हमारा स्टोर रूम है। यही मेरा काम था पहले। हमारे छोटे-छोटे गोल। Wow. अच्छा तो लग रहा है। कोई रख लो मैं देख रहा है। So hey guys, welcome back to our vlog channel again. कैसे आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। Hopefully आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। So आज तीसरा दिन है और मैं सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ गया हूँ, तो मेरा रूटीन ठीक हो गया। टाइम लगता है बट सब कुछ हो जाता है। अब मैंने कर लिया है तो जितनों का खराब है आप लोग भी कर सकते हैं। So आज का काम कुछ ऐसा है कि हम नया शूट कर रहे हैं और शूट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो हमें अपने जो ड्राइंग रूम है उसका थोड़ा सा रेनोवेशन करना पड़ेगा। रेनोवेट तो नहीं कर सकते, हम खुद ही हेल्प करके कुछ ना कुछ करेंगे जो थोड़ा अच्छा लग सके। एंड लेट्स सी कैसा होता है। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं। मेरे रैक की हालत देखो, सब ढूस रखा है सब कुछ। Good morning. शांति से देखो, अभी सब सो रहे हैं तो अभी हम शांति से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उठ जाएंगे तो थोड़ा बहुत काम करेंगे। उससे पहले मैं अपनी स्क्रिप्ट और ये सब रीड आउट कर लूंगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एंड गाइज, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यू रेंज स्टार्ट करी है वाओ स्किन साइंस की, ग्रीन टी एंड टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर। ये शैम्पू आपके हेयर से ड्राई फ्लेक्स रिमूव करता है, आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो उसको भी कंट्रोल करता है। इवन अभी गर्मियों में क्या होता है, आपकी जो स्कैल्प होती है बहुत इचिंग करने लग जाती है, इरिटेटेड हो जाती है, तो उसको डीप क्लीन करके उसको हाइड्रेटेड रखता है, एक रिफ्रेश कर देता है एंड आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करता है एंड बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होने देता। एंड गाइज, उसके बाद हम यूज करते हैं कंडीशनर। ये क्या करता है, आपके बालों की शाइन को रिस्टोर करता है, मॉइस्चराइज रखता है, स्टिकी नहीं होने देता बिल्कुल भी एंड आपके ब्रेकेज को कंट्रोल करता है, हेयर ब्रेकेज को, डल हेयर को स्ट्रेंथन करके वॉल्यूम रेज करता है आपके बालों की। एंड गाइज, इन प्रोडक्ट के अंदर है ग्रीन टी, टी ट्री ऑयल, रोजबेरी एंड शी बटर। कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं करते, नो सिलिकॉन, नो पैराबेन, नो सल्फेट। एंड यू कैन यूज माय कोड मोहित चिकारे 20 टू गेट 20% डिस्काउंट फ्रॉम देयर वेबसाइट buywow.in। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मेंशन है, वहां से आप खरीद सकते हैं। सो आगे का दिखाता हूं आपको भी क्या क्या करना बाकी है। आओ गाइज, हमारा स्टोर रूम है, हम यहाँ पे सारे अपने प्रॉप्स रखते हैं जो भी बिल्कुल ही मेस्ड अप हो रखा है, क्योंकि ये लड़की थोड़ा ध्यान दे लेती थी इस चीज का, तो अभी अनमोल और हम सब ने ऐसा फैला दिया। ये हमारे हेलमेट्स हैं, यही मेरा काम था पहले। ये देखिए ये वाले, हां ये मुझे, और क्या क्या चाहिए हमें? देख मैं कह रहा हूँ ये, अरे ये वाला जो है ना, इसको पूरे को वॉल पे माउंट करा लेते हैं, और इस वाले को भी, और इसके से हमारे पास ना कुछ विनाइल्स है, मैं तेरे को निकाल के देता हूँ। इसमें ये वाला खोलेंगे ना, आपको कुछ कुछ चीजें दिख जाएंगी। देखो लड़की कितनी तेज है, चुपचाप कैमरा पकड़ लिया और मोहित को लगा दिया। मुझे कैमरा पकड़ लेती हूँ ना, नहीं इसलिए नहीं पकड़ा था। ये देखो ओके ना, तो खोले नहीं, मैं दिखाता हूँ। ये अगर ये आप कह रहे हो ना, तो ये ऐसी है, उधर रखे है मैंने संभाल के ऐसा कुछ। फाइनली ये सब यूज होंगे। तोड़ दिया भाई, सच में? Don't tell me. Guys, meet my friend Meghna. ये ना तेरी हाइट का नहीं, नहीं नहीं, ये भी तेरे से बड़ा है। अच्छा ये भी फिर मैं नहीं लेने हूँ, मैं नहीं लेने हूँ यार। नहीं तू थोड़ी सी लंबी है इससे, थोड़ी सी बहुत बहुत, ओह इतने से को ना बहुत नहीं बोलते, थोड़ा सा करते हैं इसको इसको, अभी मुंडी नीचे सीधी खड़ी हुई हूँ, इतना गया है बस इतना। मैथ्स कमजोर है, मैथ्स जो भी होती है वो कमजोर है। क्या करूं मैं ऐसे लोगों का। मेघना को वापस में मुझे रखना, मेरे दोस्त मेघना को, एक ही तो मेरी असली दोस्त है मेघना, ये वाली। So, ये कुछ वॉल विनाइल्स हैं जो वॉल पे लगते हैं, और मैं आपको दिखा दूंगा जब हम इसे वॉल पे लगाएंगे तो दिखा दूंगा। बहुत अच्छा है, हमने तो हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा रेनोवेट कर दें और थोड़ा और बेहतरीन कर दें। लाइक ये वाला रूम देखो हमारा कितना अच्छा लगता है, फिर ये देखो हमारा रूम। अभी तो लाइट कहाँ है, तो देखा ही होगा वीडियो में बुरा हाल है इस रूम का। अभी हम ऐसा करेंगे, इसे अच्छा अच्छा कर देंगे, फिर अच्छी अच्छी वाइब्स आएंगी हमें और हमारी चीज़ें यूटिलाइज हो सकेंगी सकेंगी। कुछ तोड़ा नहीं है मैंने। सो गाइस, ये प्रॉप्स हमने साइड में रख दिया एंड पता है देखो, हम एक्टर हैं, हम डायरेक्शन में भी हेल्प करते हैं, मतलब हम करते हैं और हम प्रोडक्शन भी करते हैं, हम मैनेजमेंट भी करते हैं और हम अब आर्ट डायरेक्टर भी बन जाएंगे, तो हम ओवरऑल सब कुछ कर रहे हैं। कोई रख लो हमें देख रहा है, हमें रख लो, हम बहुत मतलब इतने महंगे नहीं है हम। मेरा पैकेज है एक, मतलब इफ यू वॉन्ट मी
तो ठीक है इफ यू वांट वन प्लस ऐसा होता ना बॉर्नविटा बड़े डिब्बे के साथ चुटकू भी तो आप इसको ले सकते हो ज्यादा महंगे नहीं है दो तीन महीने में एक बाइक दिला देना कोई नई गाड़ी आए तो वो दिला इसको इसको कुछ नहीं चाहिए देखो छोटी छोटी ख्वाहिशें इसके एक मिनी कूपर बस मिनी कूपर बस और मुझे भी मेरी भी छोटी मोटी ख्वाहिश है एक निंजा S2R बस मैंने कब बोला है तुम्हें मेरे को बुगाटी बाटी नहीं हम नहीं सोचते इतना गंदा हम मतलब इतना बड़ा हमारे छोटे छोटे गोल्स है तो इसकी तो मिनी कूपर क्या बेचारी छत भी नहीं चाहिए कह रही कन्वर्टिबल दे दो मिनी कूपर हाँ देखो कह रही टू डोर चाहिए फोर डोर अरे क्यों मेहनत कर रहे हो चार डोर की टू डोर किसी को सुन रहा है कोई सुन रहा है अरब अरब का कोई किंग विंग और शेक वेक बड़ा जिसे ये प्यारी लगती हो क्योंकि मुझे तो ये आरी लगती है तो ले जाओ तो आप फिल्टर बना लो डायरेक्शन कर लेते सॉरी सो गाइज अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट तो हो गया था मतलब कुछ और अच्छा खा रहे हैं तो अच्छे में खा रहा हूँ पनीर सैंडविच और चाय और ये जो लड़कियां ना देखना ये मैडम रजिस्टर खोल के बैठ गई हैं और कहती हैं तब तक जब तक हम मोहित कुछ खा रहे हैं क्यों ना हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट शूट के प्रॉप्स और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मुझे खाने के टाइम पे शांति चाहिए और इसको बात करते करते पता भी नहीं चलेगा मैं बोलती जाऊंगी आप सुनते जाओ क्यों छोड़ रखा है तूने इसको मेरे पीछे काम निकलवा मोहित से कैसे भी खाते पीते सोते उठते सब चलो पूरे घर का शूट के अकॉर्डिंग तो शूट में आपको जो देखने को मिले वो थोड़ा सा अलग होगा और बस लगे हुए काम से आज पूरा दिन हो गया और एक कल हाफ व्लॉग मैंने शूट किया था हाफ व्लॉग आज शूट किया है और जो कल वाला पार्ट किया था ना उसके बाद काम हम हो नहीं पाया था ये सारा काम तो आज कर रहे हैं तो भी होगा सारा थक गया मैं आज बहुत यार सही फिक्स हो गया ना पूरा फिक्स हो गया चलो ठीक है अभी ना मुझे एक दो चीज़ और करवानी मैं बताता हूँ ऐसा कुछ वहाँ पे हमने कुछ बॉक्सेस लगाए हैं पीछे और यहाँ पे पैटर्न बन रहा है और हो जाएगा ओवरऑल से क्या बन रहा है किचन में शिमला मिर्च अब मेरी पार्टनर आ चुकी है ना तो मुझे किचन में ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा ये बना बना के मुझे सर्व कर देगी पीछे ना ऐसा हो ना तो ये वाला जो पूल वाला डिजाइन है ना ये प्रॉपर इस वाले वॉल पे आएगा बॉल हो जाएगी सेक्सी हाँ और लास्ट ब्लॉग में इस लोग इस बंदे के लिए जो कमेंट कर रहे हैं ना कि ये बहुत शरीफ है इसके साथ ऐसा मत करो है ये बहुत बड़ा मतलब मैं इसको हम शुरू कहाँ से करेंगे हमारा मेन वो ये है अब सुन Exactly वहीं पे वही सही लग सकता था कैफे बना दिया घर को हुक्का लगा दो अब एक हुक्का वहां पे रखूंगा टेबल पे कौन सा वाला जी बबल बबल कौन सा वो तो नहीं पता एक हमारा वाला भी बबल निकलता है मुंह से मस्त है ना अब सेकंड वाला देखिए चल चला दे मेरे बाल से करने दे अब ले मेरे को क्रिस गेल चल चला दे भी और करने दे नहीं नहीं आज क्या दूसरा गाना अभी करेंगे चल जा 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 अभी नहीं जा जा कलर अच्छा तो लग रहा है ये यही लग सकता था बस यहां पे अभी और चला जा अभी नहीं भाई जा जाओ करवा ली बेइज्जती मी एंड माय क्राइम पार्टनर आज हम फुल पावर में हैं सो इस वाली बॉल का भी हम एकदम नक्शा जा ना भाई चला जा यार पहली बार मैं कर रहा हूँ
गाइस ये लग रहा है थोड़ा सा मास्टरपीस, ये बढ़िया चीज है। देख 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 देख, अरे वाओ ये क्रेजी है ना, लुक ही चेंज हो गया, गुड वाइब्स आ रही है अन्नू। एंड यहाँ पे वॉल पुट्टी हो चुकी है, यहाँ पे कल वॉलपेपर लगने वाला है, कोने में हमने फिल कर दिया है, आपको दिख रहा होगा उसमें एक बाइक अटका रखी है, और इसके सिवा वहाँ पे भी हमने सामान सामने फिल कर दिया है और ये भी हमने फिल कर दिया। तो ओवरऑल हम अभी कर रहे हैं, और ऐसे कट टू कट में आप देख लो, फिर पूरा पूरा एकदम कंप्लीट करके दिखाऊँ। यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, इधर। ये हमारा थर्ड विनाइल है और एक लास्ट विनाइल बचा हुआ है, उसके बाद हम सो पाएंगे। और मैं सुबह 9 बजे से उठा हूँ, और 8:30 से उठा हूँ, और अभी रात के 2:30 बज गए हैं, तो देखो और कितना काम होगा। सो गाइज, हमने अपनी लास्ट वॉल भी बंदरों से भर लिया, तो ये हमारे कुछ नमूने हैं, ये हम 5 बंदर हैं। आज का काम होता है समाप्त, और मैं सारा रूम आपको कल दिखाऊंगा, ये पूरा जो ऐसा कुछ है ये कल साफ सुथरा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, अभी सब फैला हुआ है। तो आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, और सोते हैं। वहाँ पीछे ब्लफ खेल रहे हैं सब, और मैं काम कर रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा है। सो बाय। ये मेघना ने आर्ट बनाया, देख रहे हो कितना अच्छा आर्ट बनाया, देख रहे हो, ये आर्ट है इसका, इस आर्ट से ये देखो, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। यहाँ छुप रही है, छुप मत इस, ये क्या हग रही है, एक एक बार रुक जा, करने दे मुझे यार, क्या रुक जा मुझे भाई, मेरा ना खून फूक रहा है, ऐसा डिजास्टर कर रही है ना, नेशन वांट्स टू नो ये क्या हगा है तूने यार, कमोड बना लिया क्या भाई, पता नहीं क्या गाइस, अब देखो हमारी वाली बॉल पहले कैसी थी और अब कैसी होगी, ये देखो, हाँ हाँ चंगा काम कर दिता। ये शिवम, ये मैं आलस का मारा, ये पूरब, ये अर्शु मार्शल लेके लटका हुआ, तू सेम है, तू बराबर है, हमारे में थोड़ा फर्क है, तू एकदम बराबर ऐसे करके लटक, कैसी लगेगी। तो ऐसा कुछ मेक ओवर हुआ है और बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे। अब लास्ट मेक ओवर जो बचा आज रात का, वो ये है कि मैं इस रैक को ना पूरा मैं सही करने वाला हूँ, और इन सबको करके मैं बॉक्स ले आया था, मस्त मस्त। फिर हो जाए मेरा काम खत्म। मोहित अभी सो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा परेशान करूँ, कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए, सो स्वीट। मेरे आगे जाना, इतनी गंदी हेलो, तू पहले बोल, तू पहले बोल, मैं डर गया हूँ, देखो ऐसे बुलवाया जा रहा है, देखो तेरा फोन का है, अब थोड़ा डर रहा, पासवर्ड होता हूँ, चिल्ला चिल्ला के मैं तुझे एक आइसक्रीम और गुलाब जामुन खिला रही हूँ। नहीं नहीं खाना, सोना है बस, सोना है बस, सोना है।